जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल UPSC PSC विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है जहां मैं बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस ट्रेनिंग है वो कहां होती है और किस प्रकार से होती है और कितने फेजेस में होती है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि जब आप CGPSC एग्ज़ाम फाइनली क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर कॉल लेटर मिलेगा। उसमें आपके ट्रेनिंग सेंटर के एड्रेस और साथ में वहाँ जाने का टाइम और आपका नाम, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई होंगी। अब सबसे पहले आपको जो फाउंडेशन कोर्स है वो छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी निमोरा में है, वहाँ आपके 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा। फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में, जो कि चंदखुरी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में पहुँचते ही आपकी सबसे बड़ी जो तमन्ना है वो पूरी होगी, जिसको पूरा करने के लिए शायद आपने कितनी रातें जगी होंगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में जैसे ही आप पहुँचेंगे तो उसी दिन आपके कई सारे काम जो हैं उसी दिन पूरा कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको रूम अलॉटमेंट करा दिया जाएगा, फिर उसके बाद रूम अलॉटमेंट के बाद का जो नियम है कि आपको जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उन सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स से मिलाया जाएगा, उनसे पहचान कराई जाएगी। फिर उसके बाद आपको उठने से लेकर के उसके नेक्स्ट डे में रात के सोने तक के जो नियम कानून है वो आपको बता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में वहाँ आपके जो ट्रेनिंग है वो 2 अलग अलग फेज़ों में डिवाइड होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी फर्स्ट फेज़ के बारे में। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में जो उठने का समय होता है वो सुबह के 5 बजे होता है। उठने के बाद आपको सबसे पहले PT क्लासेस के लिए जाना होगा, जहाँ रनिंग और पुशअप जैसी चीज़ें कंपलसरी होती हैं करने के लिए। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और आपको फिर उसके बाद स्टार्ट होगी क्लासेस। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में जो क्लास है वो कई अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड होती हैं। हर एक क्लास में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आपको CRPC भी पढ़ाई जाएगी, IPC की धाराएं भी पढ़ाई जाएंगी, आपको स्पेशल लॉ ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, इंडियन एक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, पुलिस मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं वो किस तरीके से हैं वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और आपको पढ़ाई भी जाएंगी, यातायात प्रबंधन नियम ये सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें 2 पीरियड फिजिकल ट्रेनिंग होगी। फिजिकल ट्रेनिंग 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है आउटडोर और एक होता है इनडोर। आउटडोर में आपको कई सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि स्विमिंग करना, राइडिंग करना, और फिर जो नेचुरल ट्रेनिंग होती है वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, और फिर फायर करना, वेपन्स को कैसे यूज किया जाता है ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ये रही आउटडोर की ट्रेनिंग। अब बताती हूँ मैं इनडोर की ट्रेनिंग। इनडोर की ट्रेनिंग में आपको इन्वेस्टिगेशन करने की चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें आपको केस दिया जाएगा कि केस को हैंडल कैसे करना है, उसके बाद फूट प्रिंट कैसे लेना है, फिंगर प्रिंट कैसे लेना है, और जो क्राइम सीन है उस क्राइम सीन को कैसे हैंडल करना है, समझना कैसे है, कौन से रूल्स और जो एक्ट है वो यहाँ लागू होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशन के जो केस हैं उसमें ही सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग के जो फर्स्ट फेज है वो उसी में आपको इलेक्शन अटैचमेंट दिया जाएगा, जिसमें पुलिस अरेंजमेंट कैसे की जाती है ये इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, और जो आपको ट्रेनिंग में है वो सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको मैप रीडिंग पढ़ाई जाएगी, GPS रूट का प्लान कैसे करते हैं ये सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। ये रही आपके फर्स्ट फेज। ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज अब पूरा हुआ, उसके बाद होगा जो स्टार्ट होगा वो है सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपको फील्ड में भेजा जाएगा और आपको फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। फील्ड ट्रेनिंग में आपको किसी बड़े पुलिस अधिकारी के अधीन काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप वहाँ किस प्रकार से काम कर रहे हैं और कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को जो रिपोर्ट है वह वरिष्ठ अधिकारी आपके रिपोर्ट को आपके पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में भेज देंगे।
पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में उसके बाद सभी ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम हैं वो लिया जाएगा। यहाँ आपको 3 चांस दिए जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें आपको कंपलसरी पास होना ही होगा। ट्रेनिंग एकेडमी में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मनोरंजन के तौर पर भी होती हैं और शारीरिक फिटनेस के लिए भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि गेम पीरियड होता है, ये डेली के रूटीन में होता है। और गेम के लिए लगभग 9 से 10 गेम होते हैं, जिनमें से आपको 4 से 5 गेम कंपलसरी होता है खेलना। आप जब ये गेम सीख लेते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने के अंदर फिर गेम के जो कंपटीशन होता है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और जो भी उसमें विनर होते हैं उनको इसके लिए अवार्ड भी दिया जाता है। कुछ लोगों को जानने की इच्छा होती है कि क्या ट्रेनिंग एकेडमी में हर रोज़ ट्रेनिंग ही होता है, छुट्टियां नहीं होती हैं या कुछ और भी चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैं बता दूं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के अलावा छुट्टियां भी होती हैं और भी वेकेशंस होते हैं, वो मनाई जाती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो सैटरडे का डे होता है वो हाफ डे होता है। उसके हाफ डे में आपको कई बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि रिटायर हो चुके हैं उनसे मिलाया जाता है, कई बड़े IPS ऑफिसर्स आते हैं उनसे मिलाया जाता है, और उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है उसकी भी जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मनोरंजन की चीज़ें भी होती हैं ताकि जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं वो बोर फील ना करें। तो दोस्तों, यह रहे छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में, कि वहाँ ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है इसके बारे में जानकारी। अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। थैंक यू।